बच्चों, बहुत साल पहले यहाँ पर दो डरावने महाकाई जानवर रहते थे जिनका नाम था बकासुर और चुकासुर, जो गांव पर हमला कर रहे थे और निर्दोष लोगों को काफी पीड़ा दे रहे थे। तभी बड़े तोंद वाले दादाजी ने उनका सामना किया और वो अमर हो गए। ऐसी राक्षसी हरकतों को और उनकी मनमानी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके थे। उसके बाद वो राक्षस बड़ी रसायनी वाली भट्टी में डाल दिए गए थे, जो महीनों तक चलती रही और काया पलट होकर बन गई मैजिक पेंसिल। सभी वाहनों को रफ्तार बढ़ाने के लिए कहो। जी सेनापति। यह नीला आसमान, हरे हरे पेड़, इतनी हरियाली जगह, मेरे गांव की पहचान। मैं मेरी पेंटिंग से ये सारा नजारा कैद करना चाहता हूँ ताकि कोई भी मेरे गांव पर बुरी नजर न डाल सके। हमारा तो यहाँ रोज का आना जाना है, तुम सबको मेरे पीछे पीछे आना है। मेरी रंगों की दुनिया ही मेरे जीवन के मायने तय करती है। चलो चलो, ठीक से खड़े रहो, आधे वहाँ जाओ। हाँ, शाबाश। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पेंट ब्रश बनाने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। पकड़ो उसे। घबराओ मत, छुपा छुपा खेल खेलते हैं। तुम उनके हाथों नहीं आओगे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, तुम सब भी मेरे साथ चलो, अंधेरा होने तक उन्हें हमारा पीछा करने दो। अरे, वो सारे के सारे हिरन आखिर गए कहाँ? फिर हम यहाँ पहुँच गए। आज मेरे पहिए ला 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 ला। अरे, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर उसे कैसे ढूंढेंगे?
रुक जाओ, ओ पपलू टपलू दौड़ना बंद करो। हमारे दोस्त नहीं है क्या? ये बुढ़े दादाजी क्या कर रहे हैं? अरे अंदर तो कोई भी नहीं है। उसका पहिया अपने आप कैसे चल रहा है? अगर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ बच्चों, तो मेरी शक्ल कैसी है? संभालो जरा बच के, ये पहिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे इसका ब्रेक कहाँ गया? मुझे कल ही तो ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है। अरे संभल कर, सब खत्म। बच्चे रास्ते से हट जाओ, अपनी जान बचाओ, जल्दी तो प्यार में मस्त है। आ जाओ, ताजा सूप पी लो, एकदम बढ़िया। हाँ, ये काफी अजीब गाड़ी है। यहाँ पे स्याही वाली दादाजी की पेंटिंग क्यों दिखाई जा रही है? आइए सूप पीजिए गरमा गरम। पप्पू नहीं देखना है, तुम जाओ। बेकार नोट करता है। अरे वो बच्चा कहाँ जा रहे हो? माफ कर दीजिए। देर हो गई, मंगू अब तक नहीं आया। माफ कर देना, थोड़ी देरी हो गई। क्या तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते? मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैंने आज उसका सिर्फ एक पैर ही ड्रॉ किया। तो फिर तुम लोग अकेले ही मॉन्स्टर मॉन्स्टर खेलो। अरे ये क्या बकवास सो रहे हैं, बंद करो। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की सजा कल। मेरी परछाई कमाल कर गई है ना? मैं आज एक घोषणा करता हूँ, वार्षिक लालटेन महोत्सव आतिशबाजी का शो आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया जाए। सेनापति, कुछ तो गड़बड़ है। युद्ध के लिए सारी दिशाओं में से जगमगाती रोशनी और धमाके सुनाई दे रहे हैं। ओह, उनकी इतनी हिम्मत की वो हमारी ओर आए। चलो उन्हें सबक सिखाए। जल्दी करो, निशाना लगाओ। तुम सब चुप रहो। आज सम्राट आपके सामने शाही फरमान सुनाते हैं। 100 फूलों के गांव के नीचे गाड़ी गई सोने की खान पर अब राज्य का हक है, इसलिए आपको गांव खाली करने का आदेश दिया जाता है। प्रणाम स्वीकार करें सेनापति। हमारे 100 फूलों के गांव के नीचे सिर्फ कोलसे की और लोहे की ही खान है, लेकिन सोने की खान कहाँ है? अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो हम बहुत समय पहले ही उसकी खुदाई कर चुके होते। आज तक क्यों रुकते है? अगर आप लोग यहाँ पर हो तो हमें यकीनन गांव खाली करना होगा। आप सोने की खान के लिए हमारा घर तोड़ोगे। वरिष्ठ नेता, ये यही छोटा बच्चा है जिसने अपने अजीब पेंट ब्रश से सिपाही को उल्लू बनाया और हिरन से बचाया था। बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम मंगू है। मंगू, तुम्हें पेंटिंग अच्छी लगती है ना?
क्या मैं तुम्हारा पेंट ब्रश देख सकता हूँ? बच्चों को स्कूल में जाकर गणित इतिहास सीखना चाहिए, ना कि पेंटिंग करनी चाहिए। आप इस ब्रश को रख के क्या करोगे? आपको पेंटिंग ड्रॉ करना आता है क्या? मुझे सिर्फ ये पेंट ब्रश ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा गांव चाहिए, समझ लो। कान खोल कर मेरी बात सुनो, इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो आप सबको शाही फरमान का अपमान करने के लिए कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पापा, जो शाही मैंने देखी थी वो अचानक गायब हो गई। वरिष्ठ नेता, ये जगह काफी अजीब लग रही है, पीछे हटने नहीं समझ आ रही है। गांव वालों, जितना जल्दी हो सके चले जाओ, चलो। सेनापति, रास्ते में अपना मुंह धो लीजिएगा। चलो चलो, तमाशा खत्म हो गया, अपने अपने घर जाओ। चलो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा ड्रामा स्टेज। मुझे अपने पिताजी की नूडल्स की दुकान देखने जानी है, माफ करो मैं थक गया हूँ। क्या हुआ, तुम अपने घर नहीं गए? क्या वो आप ही थे जिन्होंने उस शाही के छींटे उड़ाए थे? मैं ही था वो, अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल से तुम ही मंगू हो। हाँ, अभी भी चित्रों की ड्राइंग करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हें एक मैजिक पेंसिल देता हूँ। कहाँ गई? कहाँ गई? ढूंढ ली। लो ये तुम्हारे लिए। ये तो मैजिक पेंसिल है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव पर एक आफत आने वाली है, अत्याचार का विरोध करने और अपने वतन की रक्षा के लिए तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, इसे अपने मन से जोड़ लो, अपने दिल की बातों से सुनाओ। वक्त आ गया है कि तुम अपनी आत्मा और रूह से पेंट करना शुरू करो। इस मैजिक पेंसिल को अपनी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण भाग बनाओ। आप क्या बोल रहे हो? पूछ दिखी, सिर दिखा, कैसे पेंट करूं? यह क्या है, अजीब चीज है। सर्कल बनाता हूं। काफी अजीब सी पेंसिल है। ये क्या है? मत सोचो, मत, चले जाओ यहाँ से। समझे
दोनों कौन हो, पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? क्या तुमने हम दोनों को पेंट किया है? अब समझ में आया तुम्हें इस पेंसिल के जादू के बारे में कुछ नहीं पता। तुम इससे जो भी पेंट करोगे वो असल में सच हो जाएगा। क्या ये सच है? मजा आएगा, ये तो सच में शानदार मैजिक पेंसिल है। सेलापति, आप आइए और इसे चखिए, ये बासमती चावल का पुलाव है। मेरे लिए एक कुत्ता बन जाओ। अरे अब एक सूअर बन जाओ। अब मेरे सामने से गायब हो जाओ। अनर्थ हो गया सेनापति जी। अब तुम्हारी बारी, तुम मेरे लिए एक सोने का टुकड़ा बन जाओ। सेनापति, आपका ब्रश तो बनावटी निकला। सेनापति, क्या आप ठीक हो? चलिए वापस खेल खेलते हैं। हाँ सेनापति। टेंशन मत लीजिए सेनापति जी, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, गुस्सा ना करें। इसमें जादुई शक्ति जैसा कुछ भी नहीं है। चलो उसी गाँव वापस चलते हैं। उधर से क्या बीच से चला रहा है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ये क्या? मुझे मेरा कुत्ता दो, मुझे मेरा पप्पी दो, इसे मत ले जाओ। इसे छोड़ दो, इसे मत ले जाओ। अरे क्या गपलू को सुंदर भोलू भैंसा है? अगर तुम गपलू से उसका भैंसा ले जाओगे तो वो क्या करेगा? मुझे सबक सिखाने दो। सुनो मंगू, ये पेट्स तुम्हारे हैं, बहुत प्यारे हैं। ओह ये तो बढ़िया है। अब तुम गए। क्या जोर से मारा, तुम्हारा जवाब नहीं। कौन है जिसने भी ये किया है? सामने आओ। इतना भी दुखी मत बनो, गर्मा गर्म नूडल्स खा लो। मेरे नूडल्स मुझे वापस कर दो, आंसुओं से भीग जाएंगे। इस छोटे बच्चे का रोना सुनकर दुख होता है। सही बात है, मर्द को अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए। छोटे राक्षस, डरना मना है। मौत मारो, तुम्हारी मौत बुला रही है। नहीं नहीं नहीं, वो राक्षस नहीं है, उन्हें तो दरअसल मैंने बनाया है। घपलू, मुझसे वादा करो कि तुम आंसू नहीं बहाओगे। अगर मैं भोलू भैंसा पेंट कर दूं तो चलेगा? मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करके ही रहोगे, लेकिन जब मैं इतना उदास हूँ तो क्या तुम सबके सामने हमेशा मेरा मजाक उड़ाना बंद नहीं कर सकते हो? सुनो दोस्तों, मेरा यकीन करो, मैं तुम सबके लिए कुछ ना कुछ ड्रॉ करूंगा। छोड़ो से छोड़ो।
मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं। हाँ बिल्ली अचूका तो मैंने पेंट कर दिया, अब पैसा पेंट करूं। मांगू चिंता मत करो। असली है, मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश। ए रुक जाओ, मुझे मत मारो। ये तो बोलता है। अपने हाथ नीचे रखो, मैं एक इज्जतदार गोल मटोल भैंस हूँ और तुम चाहते हो मैं इतनी जल्दी जोतना सीख जाऊँ। मजाक अच्छा करते हो। गोलू पोलू भैंस, मगर मैंने तुम्हें ड्रॉ किया ताकि तुम गपलू की जमीन जोत सको। ऐसा तो नहीं है कि मैं जमीन जोतना नहीं चाहता, लेकिन जरा मेरी तरफ देखो, मैं एक तगड़ा मोटी तोंद वाला भैंसा हूँ, मुझे रोज गर्म पानी से नहाना पसंद है। थोड़े बदलाव की जरूरत है। तुमने मेरी पूंछ का क्या हाल बना दिया। तुमने कहा था तुम जोत नहीं सकते, मुझे तुम्हारी कुछ मदद करने दो। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैंने झूठ कहा था मैं ये कर लूंगा। ये और ये हो गया। दूर हटो, तुम सच में एक महान कलाकार हो। तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं गलत था, आप सच में महान कलाकार हैं। मैं ये सारी जमीन अच्छे से जोत दूंगा। हे गपलू, अब ये भैंसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। भैंसा। मैंने एक जानवर की आवाज सुनी अभी। ये तो नामुमकिन है, लेकिन मैंने यहाँ पर भैंस की मुंह सुनी। लेकिन मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बुरे फंसे, तो भैंसे अपनी आवाज मत निकालो, तुम सिपाही हो, ध्यान खींच लो। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता ना। अरे नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ। सुनो, तुम्हारी पेंसिल के दूसरे छोर से उस भैंसे को मिटा दो। अगर ये किसी भैंसे की आवाज ना हुई तो। अरे बेवकूफ, तो क्या ये सुअर की आवाज है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे अपने असली रूप रंग में वापस लेकर आ जाओ ना। कहाँ भाग रहे हो? सुनिए, आप क्या रिपेयर कर रही हैं? मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, मगर बाकी चीजें कबाड़ ही है। अब मैं इस मैजिक पेंसिल का हीरो हूँ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जो भी तुम चाहो, एक बार बोल के तो देखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? मैं ड्राइंग करके कुछ भी बना सकता हूँ, जरा ट्राई तो करो। सुनो, जो मैं ठीक कर सकती थी उसी चीज को मैं रिपेयर कर रही थी, बाकी सब मैंने फेंक दिया। ऐसा लगता है जैसे परछाई वाले कठपुतली वाले राक्षस ने अभी तक ड्राइंग नहीं बनाई है। मुझे वो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हीरो, तुमने
मुझे मेरे लिए एक राक्षस ड्रॉ करने का वादा किया था, वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये लड़कियों की बातें हमेशा इतनी पेचीदा क्यों होती हैं? अगर उन्हें समझना इतना आसान होता तो मैं तुम्हें एक बिल्ली ड्रॉ करने को बोलता, क्योंकि मुझे भी एक बिल्ली चाहिए। अब वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें बिल्ली चाहिए? देखते हैं फिर, मैं मैजिक पेंसिल का हीरो बन के ही रहूंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगल को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी पानी की पाइप को काट के रख दूंगा, देखता हूँ बगैर पानी के कैसे जीते हो तुम लोग। बहुत प्यास लगी है मुझे, काश पानी आ जाए। पानी दे दो। आज रात सिर्फ हम सॉस के संग नूडल्स खा सकते हैं। पिताजी, यहाँ आओ बेटा मंगू। क्या ये मुमकिन है कि तुम हमारे लिए पानी ड्रॉ कर सकते हो बेटा? ये तो आसान है, हो जाएगा। वाह, वाह, बढ़िया, पानी आ गया। मजा आ गया। ए सुन, पहले मैं आया था। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, पानी पहले मुझे मिलेगा। हाँ बेशक, मैं ही पहले आया था। Oh, yes! रंगीन पानी है। सुनो, मुझे भी रंगीन पानी चाहिए, तो क्या तुम ले? मंगू, मेरे लिए चाय की केतली भर दो। मंगू, मंगू। ओ लैला, तुम खुद को हीरो समझते हो? तुम्हें लगता है कि मैजिक पेंसिल से तुम सर्वशक्तिमान बन सकते हो? चलो कोई बात नहीं, अब देखना मैं पानी को कैसे साफ करता हूँ। चायदान, चलो मेरे साथ चलो। ओ चायदान, मेरे पीछे आ। अभी आता हूँ। क्या तुमने कभी किसी को ऐसे चित्र बनाते हुए देखा है क्या? अजीब है ना। अरे ऐसा लगता है इन लड़कों को पहले कहीं देखा है। जाओ जाओ, जल्दी पानी भरो। अरे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा है? बिल्कुल, ये मुझे उसी की तरह लग रहा है जिसने मुझे पिछली बार बास के जंगलों में फंसाया था। जितना मैं इसे देखता हूँ, मुझे ये वही लड़का लगता है जिसने हमें अपनी हरकतों से बेवकूफ बनाया था। पकड़ो इसे, जाने मत देना इसे। हिला मत, Oh,
सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मंगू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लाओ बताओ क्या है। ये लो, अपने हाथों से बनाया है। वाह हीरो, तुम्हारी तरह। यहाँ से कुछ ले जाने के लिए कुछ और बचा है क्या? जो कुछ भी था वो तो आपको पहले ही दे दिया। बच्चे तो है ना, जल्दी जल्दी चलो। मुखिया जी, मुखिया जी, पीछे जाओ, पकड़ो उन्हें। मेरे नूडल्स, जल्दी भागो, जल्दी। ये जगह तो फुल हो गई है, माफ करना। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं वो लोग। हमने उनके जानवरों और अनाज को लूटा, यहाँ तक कि हमने उन्हें पानी के लिए भी तरसाया, पर ये गहो वाले अब तक जिंदा हैं, जैसे कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। सेनापति बहुत बेवकूफ है, सेनापति बहुत ही अजीब है। सेनापति बहुत ही मूर्ख इंसान है, सेनापति बहुत ही मूर्ख इंसान है। क्या ये सच है? गांव में राक्षस रहते हैं? तुम मेरे कंधे पर बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ और पता करो ये क्या माजरा है। चूहे तो बहुत ही ज्यादा संख्या में आके नूडल्स खा रहे हैं। ये सब अजीब है। चूहों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अब चूहे यहाँ अपना डेरा जमा लेंगे। मंगू, बस तुम देखते जाओ। चतुर बिल्ला कहाँ है? ए बिल्ली, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाके चूहों को पकड़ो, समझे? उन्होंने अपना आतंक मचा रखा है अंदर। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मजाक कर रहे हो? नीचे आओ, चुपचाप अंदर जाओ। लड़ने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं वैसे किटी कैट। सुनो, मैं सिर्फ बाहर से दिखने में एक बिल्ले जैसा हूँ, लेकिन बिल्लों जैसे कोई आदत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता,
तुम तो एक बहुत ही ज्यादा बहादुर बिल्ली हो। अरे मुझे असल में चूहों से डर लगता है। ओह तुमने बेवकूफ बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो मेरे लिए इतने भी भावुक मत बनो तुम। आज के बाद कभी भी मुझे चूहों से मुकाबला करने के लिए मत भेजना, ठीक है? तुम घटिया एक्टिंग। यहाँ से दफा हो जाओ। ये क्या फैशनेबल चूहा? सुनो मुझे एक प्लेट नूडल चाहिए। अच्छा क्या कहा, एक कटोरी भर के गरम नूडल्स? हाँ अभी आया। तुम अपने आप को समझते क्या हो, इतना भी आतंक मत फैलाओ। तुम्हें क्या लगा इस तरह की टोपी पहन के और लकड़ी लेकर आओगे तो हम तुमसे डर जाएंगे क्या? 100 फूलों वाला गांव में घर है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बातें अच्छी कर लेता है लेकिन ये तुम्हें बचा नहीं सकती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। अब अपना आतंक कहीं और दिखाना, निकल जाओ यहाँ से काले चूहे। मैं जा कैसे सकता हूँ? तलवारधारी चूहे मुझे मार दो। 4 पीढ़ी से हमारा परिवार इस तरीके से जी जी की तंग हो चुका है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। मैं ऐसा राजा हूँ जो खुद का घर भी नहीं खरीद सकता। अच्छा ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हमारी दिक्कत एक है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ इम्पीरियल ग्रीन मैंशन में। आपकी जय हो। लगता है काम बन गया, लगता है मामला सेट हो गया। सेनापति के घर पे धावा बोलो। क्या अद्भुत मैजिक पेंसिल ने तो तुम माहौल बदल दिया। कमाल कर दिया। मेरा मतलब है चूहे ने कमाल कर दिया, ऐसे काम उस चूहे से करवाने चाहिए। अच्छा तो मौका देखो, मैं तुम्हें यहाँ से छू मंत्र होने का मौका दे रहा हूँ। मुझे मिटाना मत, मुझे एकेडमी से चालाक चतुर बिल्ली का अवार्ड मिला है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मिटाना। सेनापति जी बच्चे के पास तो मैजिक पेंसिल है। वो उसे सीधी लाइन सर्कल पानी जमीदान बिल्ला चूहा जानवर जो ख्याल आए वो सब कुछ बना सकता है। वो सर्वशक्तिमान है। तो तुम्हारा मतलब है कि वो सीधी लाइन सर्कल पानी चायदान बिल्ला चूहा जानवर फूल घास पेड़ पौधे सब कुछ बना सकता है तो दुनिया में कौन सी पेंसिल ऐसा नहीं कर सकती, बताओ? मेरा मतलब है उस पेंसिल से ड्रॉ की गई सारी चीजें जीवित हो जाती है, वो मैजिक पेंसिल है। जीवित हो सकती है? नहीं वो हमारी तरह है, बिल्कुल जिंदा। सच में तुम मूल रूप से एक पंछी हो, फर्क इतना है कि तुम इंसान की तरह बोल सकते हो। मैं सबको देख लूंगा, वहाँ पर सिर्फ सोने की खानी नहीं लेकिन अब एक मैजिक पेंसिल भी है। ऊपर वाला जब देता है
तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये आवाज कैसी? इतने सारे चूहे, सम्राट की रक्षा करो। बचाओ सेनापति। मारो मारो, छोड़ दो मैं। मारो से। नमस्ते। काफी बढ़िया था। सही कह रहे हो। मैंने बेटा, क्या तुम मुझे दिखने में और सुंदर बना सकते हो? ये लीजिए। वाओ वाओ वाओ। सुनो मंगू, क्या मेरे लिए ऐसी दो चार और नाचने वाली लड़कियां ड्रॉ करोगे? मंगू, जमीन का टुकड़ा बना दो ना। मेरे लिए आज के फैशन के दो जूते। मेरे लिए गरम गरम भजिया। देखो वो आ गया। अरे मंगू, देखो मंगू आ रहा है। मंगू, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? बस एक छोटा सा काम। बोलो, तुम भी? इस चखने में मुझे तुम्हारी दरअसल मदद चाहिए। ये देखो। अब मैं क्या बताऊं गोलू, गांव वालों की मांगे बहुत ही बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। मेरे लिए सूप बना दो ना, मैं बहुत दुखी आ रहा हूँ। रोने की एक्टिंग करो। मंगो बेटा, मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके दे दो। मंगू बेटा, थोड़ा सोना ड्रॉ कर दो ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। 100 फूल वाले गांव के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सोना ड्रॉ कर दोगे? मैजिक पेंसिल पैसे के अलावा कुछ भी ड्रॉ कर सकती है। जब तक हमारे पास सोना है, तब तक हम हमारे गांव में सोने का एक सेंटर बना सकते हैं। इस तरह किसी भी गांव वाले को मरकर काम नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से रह सकता है खुशियों के साथ। अगर मुझे तब भी ड्रॉ करना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, हम सबके लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसे अगर हो साथ तो कोई भी पूरी होती है आस। पर ये आइडिया तो सच में वाकई काफी काम का लग रहा है। मंगू, तुम हमारे लिए पैसे की खान हो। मेरे गांव वालों, जोर से बोलो, तुम लगा कर बोलो। अच्छा ठीक है, फिर मैं पैसों का पेड़ बनाता हूँ। समझदार हो चुका है, उसने अपने पिताजी को कड़ी धूप में मेहनत करते देखा है। पैसों का पेड़ बन गया है दोस्तों, आओ और पैसे निकाल लो। मालिक की ड्राइंग तो सच में कमाल है। देखो तो लोगों को कितनी पसंद है। एक एक करके आइए प्लीज, एक एक करके आइए। मुझे सोना चाहिए। मंगो, अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम लोग कहना चाहते हो अगर मैं सब कुछ समझता हूँ तो इसका मतलब मैं कोई मासूम बच्चा हूँ। सोना ही सोना, गांव वालों सोना ही सोना, ले लो सोना। से लाइए, संभालिए पिताजी। हुआ सोना, जल्दी से उठा लो बेटा। सारा सोना उठा लिया, सारा सोना मेरा है। सोना, मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी सोना चाहिए। इससे पहले
चलो भागो मेरे साथ इस तरफ। अरे सोने का पेड़ कहाँ भाग रहा है? अरे रुको प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम कहीं नहीं भाग सकते। पैसों का पेड़, क्या तुम ठीक हो? ये लोग काफी लालची हैं। मैंने बताया था ना कि प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कुछ गलत हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुझे उठाओ चतुर बिल्ली, मंगू एक समझदार बच्चा है, वो एक महान कलाकार है, उसे बस थोड़ा शांत रहने की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे बात करो चतुर बिल्ली, अच्छा लगेगा। मुझे तो ताजा गोल मटोल बन खाने का मन हो रहा है। मजा आया। सम्राट ने मुझे आप सबको ये आदेश देने के लिए भेजा है। मंगू और उसके साथ ही दोस्त महल में आ सके उसकी व्यवस्था करनी है। उन्हें सम्राट के 6 साल के बेटे के समारोह में निमंत्रित किया जाता है। हमारे छोटे शहजादे राजाओं के राजा की बर्थडे पार्टी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और राजा की तरह मस्त रहें। ओह, इतनी बड़ी कढ़ाई, इसमें तो बहुत से नूडल्स पकाए जा सकते हैं। तुम सिर्फ कढ़ाई के बारे में जानते हो, लेकिन ये चूल्हा है, चूल्हा फूंकने से काफी धुआं मुंह में जाता है। युवराज, आपको स्वर्गीय सम्राट द्वारा बहुत लाड़ किए गए हैं। आपको दुनिया की हर खुशी हासिल हो, अपने पिता जैसा नाम कमाए। हम सारे गांव वाले आपका आदर करते हैं, पूछते हैं, इसीलिए हम यहाँ आपके जन्मदिन के समारोह पर हमारी कला प्रदर्शन करने वाले हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ है। सेनापति, ये वही है मैजिक पेंसिल वाला लड़का, आज देख ही लूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। माननीय सेनापति, थोड़ी चाय लेंगे क्या? माफ कीजिए, मेरे खास नूडल्स का नाच देखो, जोर का तमाशा, धीरे से लगा। सर अपनी मुंडी गोल घुमाइए, फिर गर्दन को कसके पकड़े। तुम बिंदी से लड़के मेरा मुक्का खाओगे। लंबे नूडल्स, लंबे नूडल्स, लंबी जिंदगी, क्या आपने सुना है कभी ऐसा? ओए भैंसे, अगर थोड़ी थालियां फेंकोगे तो देखने में मजा ही आएगा। मंगो, तुम बदमाश लड़के अपने साथियों के साथ मिलकर क्या कार्यक्रम पेश कर रहे हो? इन्हें बंदी बना लो। मुझे मैजिक पेंसिल मिल गई, अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तुमने सीखा है तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह तमीज बान कौन है? तुम मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये कुत्ते के रूप में अच्छा लगता है। तुमने मेरा क्या हाल किया? आ,
इसे जेल में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। मांगू, मांगू, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दोस्त। लेना, जल्दी से मुझे कागज दो। मंगू एक स्याही के गोले में कैद है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर ये स्याही पेपर में घुल गई तो हम मंगू को बचा नहीं पाएंगे। क्या? जाओ, मोर्चा संभालो, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फेर दो सबको, चलो। करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। भयानक सिपाहियों, रूप बदलो और काम पर लग जाओ। जाओ और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो। मैं यहाँ नजर रखती हूँ, मंगू हमें बुला रहा है। हमें क्या करना चाहिए? शरारती हो, मुझे समझ में नहीं आया। दादाजी ने मैजिक पेंसिल तुम्हें कैसे दे दी? मैजिक पेंसिल का मालिक तो वो होना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम करे, जैसे हमारे वरिष्ठ सेनापति। जैसे ही मैजिक पेंसिल उनके कब्जे में होगी, उन्हें पूरी दुनिया में राज करने का मौका मिल जाएगा। फिर वो सर्वशक्तिमान होंगे और पूरी दुनिया उनकी ऊंची है। मैजिक पेंसिल का मालिक मैं हूँ। मैं जो चाहूँ वो ड्रॉ कर सकता हूँ, जो चाहिए वो बना सकता हूँ। वैसे मुझे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, क्या ड्रॉ करूँ, तुम ही बता दो या तुम? इस छोटे से डॉगी को दोबारा सम्राट बना दीजिए। मुझे लगता है ये पेंसिल खो ना जाए, आपको और पेंसिल बना लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे बुरे इरादे समझ गया हूँ। तुम अपने इस्तेमाल के लिए मुझसे ज्यादा मैजिक पेंसिल ड्रॉ करवाना चाहती हो? सेनापति, आपको तो पेंटिंग करनी ही नहीं आती, आप तो सिर्फ दूसरों का बुरा ही कर सकते हो। चुप रहो। देखते हैं क्यों ना मैं सबसे पहले सोना ड्रॉ करूं। सोना सोना सोना। ये क्या, ये सारी चीजें काली कैसे बन गई? वरिष्ठ नेता, हवा को खराब मत कीजिए, जमीन को जोतना बंद करवाइए। आपकी पेंटिंग का रंग बिल्कुल आपके दिल के रंग के मुताबिक दिखेगा। मेरा दिल काला नहीं हो सकता। सोना 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 सोना। और गंदगी के साथ पैसों जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि गंदगी को सोना समझते हैं। मैं एक धार्मिक सेनापति हूँ,
मेरा दिल सहानुभूति और करुणा से भरा हुआ है। सेनापति होने के नाते मेरी भावना और जज्बातों को समझने और परखने की जरूरत है। मेरा दिल स्नेह से भरा हुआ है। एक असली कलाकार की तरह मैं एक सुनहरा महाकाय ड्रैगन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ड्रैगन एक महाकाय पैरों वाला सांप की तरह होता है। इसके दांत नुकीले हैं। कैसी लगी कलाकारी? हाँ, काफी नुकीले है सेनापति जी। जैसे ही आप इसकी आंखें बनाएंगे वो जीवित हो जाएगा। लो बना दी मैंने एक आंख। मंगू, तुम ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? मैं बैल बना रहा हूँ। क्या ये असली लग रहा है? मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं है। मुझे अपने लिए दोस्त पेंट करने हैं। तुम क्या पेंट कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? मैं घर कैसे जाऊँ? आपने जो मुझे मैजिक पेंसिल दी थी वो किसी बुरे आदमी ने चुरा ली है। मैजिक पेंसिल कभी नहीं खो सकती। ड्राइंग में सिर्फ मैजिक पेंसिल का ही नहीं लेकिन तुम्हारी आत्मा और रूह का भी उपयोग होता है। अपनी आत्मा और अपनी रूह को अलग करो। को अपनी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण भाग बनाओ। मैजिक पेंसिल कहाँ गई? मेरी मैजिक पेंसिल कहाँ है? वो तो गायब होगी लेकिन नूडल्स यहाँ पर है, आप खाओगे? मुझे बताओ मेरी मैजिक पेंसिल कहाँ गई? मुझे बताओ कहाँ गई मैजिक पेंसिल? छोड़ो मगर रास्ता।
नहीं मंगू किस हाल में होगा। सुनो लैला, क्या तुम अंदर जाकर उसे बाहर निकाल सकती हो? मुझे पेंट किया गया है, मैं इसमें नहीं जा सकता। डर लग रहा है। तुम्हें इसमें हाथ डालकर उसे ढूंढ कर बाहर खींचना होगा। बस इतना ही करना है तुम्हें लैला। अरे ये तो कोई फुटबॉल है। लैला, मैं वहाँ पर अंदर स्याही वाले दादाजी से मिला। वहाँ पर हमने बहुत सी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी सोच और अपनी कलाकारी का तालमेल करना है। मंगू, गले लग जाओ। मंगू, जाओ उस मैजिक पेंसिल को लेकर आओ। वाह मेरे दोस्त, लड़की आते ही दोस्त को भूल गया। तुमने आज तो बनाया ही क्या है, ये बहुत ही भद्दा लग रहा है। तुम बेवकूफी कर रहे हो, मंगू नहीं लग रहा। करो, मैंने अभी तक ये ड्राइंग खत्म नहीं की है। तुम लोग मेरी कलाकारी नहीं समझोगे। बेवकूफी कर रहे हो, बिल्कुल भी मंगू नहीं लग रहा है। इसके बाल तो देखो कैसे क्या हो गया। अरे तो बिल्कुल असली लग रहा है। बना दिया। अरे बन गया रे मंगू, बन गया। मंगू, आखिरकार तुम वापस आ ही गए है ना? ये तो मैजिक पेंसिल है, मुझे वापस मिल गई। मैं तंग आ चुका हूँ, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मेरा आदेश है, हमला करो, मेरी जादुई पेंसिल लाओ और फिर पूरे गांव का विनाश कर दो। ठीक है बॉस। गन पाउडर को फैला दो। हाँ बिल्कुल शौक से। चलो जल्दी करो, हमें अपना काम जल्दी से करना होगा। मेरे साथ आओ। बड़ा धमाका हुआ।
बम के धमाके से सेनापति के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब मैं छोटा था तो मैंने पिताजी से नूडल्स बनाना सीखा था। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सम्राट बनना सिखाया था? डॉगी भाई चिंता मत करना, मंगू भाई तुम्हें अपने असली रूप में जरूर लाएगा, ठीक है? याद रखना। अगर वो वाकई ऐसा करेगा तो चलो हम उसे ढूंढते हैं। पिताजी! मंगू बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमने सेनापति को पहले ही हरा दिया है। मेरा गोलू कहाँ पर है? वो मेरे साथ है। नूडल बेटे! मंगू तुम बदबूदार गंदे बच्चे, मंगू और मैजिक पेंसिल को छोड़कर बाकी सबकी लाशें गिरा दो, जाओ। हमने जैसी दिखाया है तुम सबको खत्म कर देंगे। मेरी दो झाड़ू तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगी। चलो मुझे मेरी पेंसिल दे दो, तुम इसके लायक नहीं हो। मंगो, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक अकेले लड़के हो जो इस मैजिक पेंसिल का अच्छे से उपयोग कर सकता है। ये लो। तुम्हें मेरे लिए एक सुनहरा पर्वत पेंट करना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे गांव को तबाह करके रख दूंगा। तुमने सुनहरे पर्वत को आसमान की ऊंचाई पर पेंट कर दिया, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? सोने का पहाड़ हमेशा आसमान की ऊंचाई में होना चाहिए, और अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें खुद चढ़ के जाना पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए उड़ने वाली नाव बनाता हूँ, उसके बाद आप उसे अपनी राजधानी ले आ सकते हो। ठीक है ठीक है, ध्यान से पेंटिंग करना। अच्छा तो यही आपको चाहिए ना? पर ये बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? मैं तो इसके अंदर भी नहीं जा पाऊंगा। मंगू मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। अच्छा तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? बदलाव करना बहुत मुश्किल पड़ता है, आपको पता है ना, ये नाव तीन लोगों के लिए काफी होगी ना। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं मेरे साथ जहाज में चलो। मंगू तुम कहाँ चल दिए? तुम्हें और तुम्हारी नन्ही दोस्त को जो बहुत अच्छी कठपुतलियाँ बनाती है जहाज पे आना ही होगा। पब्लू टब्लू, तुम दोनों भी सुनहरे पर्वत पर चढ़ने वाले हो, बहुत सुनहरा मौका मिला है, आज नहीं तो कभी नहीं। मंगू लाला वापस आ
मंगू को पकड़ो। लेकिन मुझे आपकी मदद तो करने दो। सुनहरे पर्वत तक पहुंचेंगे। आखिरकार हम सुनहरे पर्वत तक पहुंच ही गए। यहाँ तक का हमारा सफर सफल रहा साथियों। मैंने सोच लिया है, मैं सुनहरे पर्वत को अपने घर लेकर जाऊंगा। हम इसे ले जाएंगे। चलो इसे तोड़ो। जोर लगा के तोड़ो। सिपाहियों खींचो। वो सच में से हिला रहे हैं। वो लोग नहीं चुरा सकते, नहीं ले जा सकते हैं। लाला चलो चले। तो क्या अब हम जा सकते हैं? बिल्ले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। हाँ सही कहा, मगर तुम सोने के पहाड़ पे क्यों हो? कस कर पकड़ो। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मगर तुम सोने के पीछे तो नहीं पड़े हो ना? ऐसा है तो फिर हम दोनों जाकर सोना हड़प लेते हैं। हाँ मुझे मुझे माफ कर दो। पता नहीं कितना समय लग जाएगा सब कुछ बटोरने के लिए। चलो लैला बोट पर चलते हैं। मंगो मैं भी देखता हूँ तुम मेरी गोली से कैसे बचते हो। हम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। कोशिश मत करना गंदे बदबूदार लड़के, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। लगता है कि अब मैं सोने का बन जाऊंगा, कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सोना नहीं पा सकता तो भले ही सोना मुझे अपना ले। जल्दी चलो इससे पहले ये टूट जाए। Thank you.
से बचाएगा। सही सलामत है मंगो मंगो। मंगो ये प्यारा सा पप्पी सम्राट है क्या? ये छोटा सा प्यारा सा पप्पी सम्राट डॉगी। तो क्या आप कुत्ते से दोबारा इंसान बनना चाहोगे? जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे सम्राट बनोगे और प्रजा का और अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा वैसे मैं पेंट करता हूँ और एक पेंट आर्टिस्ट भी हूँ। गाँव के मुखिया, तो क्या आप मुझे अच्छे से जानते हो? नसीब चमकाने के तरह अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता, लेकिन अब मेरे दोनों बेटे सोने के बन चुके हैं, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ी। अच्छा देखिए, आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये मेरी गलती है। ये क्या? अरे अरे, किसी को देखिए, ये कमाल का है ना। तुम दोनों जिंदा हो गए, ये तो खुशी की बात है गांव वालों। आज मैं इस सारे सोने से पूरे गांव को एक शानदार दावत दूंगा। गांव के मुखिया बाप को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इस पेड़ के ऊपर काफी पैसे हैं। गर्मा गर्म रोटी, पनीर, सब्जी, बासमती चावल, हमने अभी खाना खत्म नहीं किया। ये टूट कैसे गए? सही वाली अमर देव, वही होने चाहिए। देखा, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना, तुम ही पूरे गांव के कर्ता धरता हो और तुम ही मैजिक पेंसिल के हीरो भी हो। सही वाली अमर देव, आपने जो बताया अब मैं ठीक से समझ गया। इतना गुरूर अच्छा नहीं। मेरी राय के हिसाब से आत्मा और ब्रश का वास्तविक एकता का सामंजस्य हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो मैं दिखाता हूँ। ऐसा तो आंखें छोटी हैं, अभी बदलता हूँ। मुझे बहुत सफेद है, बदलाव की जरूरत। कपड़े बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, बदलाव की जरूरत। आपको क्या लगता है, शारीरिक चुस्ती रखनी चाहिए? मैं आपको पहले जैसा बना दूंगा। तुमने मेरा शालीन रूप बदलने की हिम्मत कैसे की? बदला लेने के लिए तुम मुझे किसी आदिवासी मोटे इंसान की तरह ड्रॉ करोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Watch the water move.
梦里的天空总会有彩虹，画画一只蜜蜂，乘着晚风，它会在日落后继续旅程，小翅膀努力地飞过寒冬，危机中会遇到正义的英雄。我相信在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里所有云朵都自由自在，每一天黑和白看得明白，每一次窗打开眼界打开，让自己能活在童真的年代。哇，画出我的梦，梦里的天空总会有彩虹。画月亮的面孔，虽然轻松，它的光是人间的一盏灯，黑夜中它照亮多少感动。我抬头能看到星星的笑容，我相信在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里所有云朵都自由自在，每一天黑和白看得明白，每一次窗打开眼界打开，让自己能活在童真的年代。长不大的小孩，生命的未来都期待。我希望在我世界里快乐日子真实的存在，每一天黑和白看得明白，每一次窗打开眼界打开，让自己回到那童